चैनल, मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी देखें, मैं आज भी अपने गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं और कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं अभी इस वक्त, और आप लोगों के साथ साथ में कुछ केयर टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज हार्वेस्टिंग में सबसे पहला नंबर है अमरूद का। हालांकि कुछ टाइम पहले इसमें से कुछ अमरूद तोड़ लिया गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखें, ये मेरा सबसे पुराना अमरूद का प्लांट है और इसमें ये इसका साइज़ यही होता है, चिकने गोल गोल और बहुत मीठे अमरूद होते हैं इसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ अमरूद मेरे अभी अच्छे से पक गए हैं और कुछ पकने वाले हैं। हालांकि चिड़िया भी बहुत परेशान करती हैं, वो भी खाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। और देखें, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही पक गया है। ये देखिए, इस अमरूद की यही खासियत है, ये बहुत चिकने गोल सुंदर और तकरीबन इसी साइज के होते हैं, लेकिन मीठे बहुत होते हैं। अभी मैं इसे हाथ में पकड़ी हुई हूँ और इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, इतना बढ़िया है ये। और मैं इस पर सोच रही हूँ कि इसको किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है। मुझे लगता है कि 16-17 साल हो गए होंगे इस प्लांट को, और लगातार हर साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। तो कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से बीमारियों से बचे रहते हैं, जबकि मैंने देखा है कि अमरूद में बीमारियां बहुत लगती हैं, उनके रूट में निमाटोड बहुत जल्दी लग जाते हैं। और मेरे एक प्लांट के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो प्लांट नर्सरी से ही इन्फेक्टेड था। तो जब भी हम प्लांट लाएँ तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम हेल्दी प्लांट घर लेके आए। तो यहाँ देखिए, और भी कुछ है अमरूद जिनको मैं तोड़ लेती हूँ, इतना पकने का वेट नहीं करूँगी। ये देखें, ये भी खाने वाले स्टेज में है, और यहाँ भी एक है, ये भी तोड़ लूँगी। और कुछ छोटे छोटे से दिख रहे हैं मुझे, ये देखें, ये छोटे छोटे से हैं, ऊपर भी कुछ दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी एक मुझे दिखा, लेकिन इसको भी मैं नहीं लूँगी, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा और पकेगा। ऐसे ही छोटे छोटे इसमें और भी सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी मैंने इतने, ये काफ़ी। अब देखें, आज मैं पम्पकिन के फ्लावर की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, सब्जियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसे इसलिए तोड़ रही हूँ कि अभी मेरे इस वाइन में कोई भी फीमेल फ्लावर नहीं है, तो बेकार इसको जाया जाने देने से अच्छा है कि हम इसे ले लें। और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं इसमें से लूँ, लेकिन किसी न किसी रीजन से मैं इसे नहीं ले पा रही थी। और अभी देखें, अभी स्टार्टिंग है, इसमें फ्लावरिंग आने की स्टार्टिंग है, और बहुत अच्छा मेरा ये प्लांट बन रहा है। हालांकि बीच में धूप की कमी की वजह से इसमें जितने भी फीमेल फ्लावर आए सब तकरीबन ख़राब हो गए हैं, लेकिन अभी इसका यूटिलाइज तो कर ही लेना चाहिए। ये देखें, आज मैंने देखा है कि 4-5 फ्लावर आए हुए हैं। ये देखें, कल का स्पेंट फ्लावर है, लेकिन इसे भी हम सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो चींटियाँ लगी हुई हैं उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स होते हैं और बहुत बढ़िया। और जब भी आप देखेंगे पम्पकिन के फ्लावर में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई हैं, तो इस जगह चींटियाँ हमारी दोस्त हैं, इसलिए कोई बात नहीं, चींटियाँ लगे भी तो कोई दिक्कत नहीं। ये शायद पक गया था, इसलिए यहाँ से टूट के अलग हो गया है ये इस ब्रांच से। इसे कचड़ी या फूट कहते हैं, और ये कच्चे में भी इस्तेमाल होता है, सब्जियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। और पक जाने के बाद इसमें ये बहुत कम मीठा होता है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि दूर दूर तक फैलती है। राजस्थान साइड में ये बहुत होते हैं, अपने आप खेतों में उग जाते हैं, आजकल ये बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये जब भी मौका मिले अपने गार्डन में इसको जगह ज़रूर दें, क्योंकि ये बिना किसी देखभाल के उगते हैं। और इस तरह के नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें, इसमें चीनी डाल के या हल्का सा गुड़ डाल के, मतलब जो भी मीठा आप पसंद करते हैं वो डाल करके आप इसको खा सकते हैं, खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। एक ही माइनस पॉइंट है कि मीठा बहुत कम होता है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। और ये देखें, इसकी जो बेल है इसको भी मैंने सपोर्ट नहीं दिया है, और किसी और ही प्लांटर में, जिसमें रसभरी का ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसी प्लांटर में ये बेल लगी हुई है। मिट्टी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
मुझे अक्सर इस तरह से दो दो तीन तीन, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, इस तरह से फ्रूट मिलते रहते हैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और पिछले 2 सालों से एक बार बस मैंने इसे लगाया, उसके बाद से ये अपने आप ही, इसका नाम फ्रूट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अभी अगर मैं इसे छोड़ देती तो ये पीले होके अपने आप फट जाते हैं और इसके बीज आसपास बिखर जाता है। ये इसकी खास बात है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हर साल आपके गार्डन में कहीं ना कहीं इसका प्लांट जरूर उगा हुआ दिखेगा। और मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अब आप लोगों को अपने बैंगन का प्लांट दिखाने जा रही हूँ जिसको मैंने सीड से ग्रो किया है। कुछ टाइम पहले तक जब बहुत गर्मी थी तो ये इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही बारिश होनी शुरू हुई ये इतने तेज़ी से बढ़ने लगे और तकरीबन 2 से 3 बार मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ। जब से मैंने इस बैंगन के प्लांट को लगाया है मैंने देखा है कि इस बार मैंने किसी भी तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। उसके बावजूद भी मिट्टी अच्छी बनाई थी मैंने, इस वजह से मेरा ये बैंगन का प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है। जबकि आपने सुना होगा कि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बाहर जब ये खेतों में लगे रहते हैं तो इनमें पेस्ट का अटैक बहुत होता है और लोग बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। कुछ समय पहले मैंने ये सब देखते हुए बैंगन खाना ही छोड़ दिया था, लेकिन अब जब मेरे इस टेरेस गार्डन से मुझे बैंगन मिलते हैं तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। ये फुल्ली ऑर्गेनिक है और किसी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है इसमें। पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, इस तरह दो दो तीन तीन, ये देखें एक यहाँ फ्रूट है, एक यहाँ है और ये देखें एक इतना सुंदर सा यहाँ पे है। तो इस तरह से तीन तीन, चार चार, कभी कभी एक आध मिल जाता है। तो इस तरह से फ्रूटिंग लगातार चलती रहती है। एक बार जब आपका प्लांट फ्रूटिंग पे आता है तो उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे मैं अभी हार्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार मैंने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद कोई भी मैं अच्छा सा कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा सर नहीं खपाती कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, जो मेरे पास अवेलेबल होता है वो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ 10 दिन के बाद ये फूल और फल से धीरे धीरे फिर से भरने लगता है। तो ये प्लांट लगाने के बाद इतनी बार हार्वेस्टिंग लेना ये बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए गमले में जब भी प्लांट लगाएं तो कुछ सोच के लगाएं कि ऐसा वेजिटेबल हमें लगाना है जो बार बार हमें, इसे मैं छोड़ देती हूँ, ये बहुत छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए। मेरा दूसरा प्लांट भी है, उसमें भी फ्रूटिंग हो रही है, बहुत अच्छी दिखाती हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा बैंगन का प्लांट, इसमें भी देखें आप फ्रूटिंग, ये देखें ये छोटा सा है, इसको छोड़ दूँगी अभी, इसको ले लूँगी। और ऊपर ऊपर आप देखिए कितना सुंदर हेल्दी प्लांट है और ये मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है इससे। देखें कितना सुंदर, और यहाँ पे देखें मिर्ची की कितनी सारी वैरायटी होती है। और एक बार बस मैंने ये प्लांट लिया था उसके बाद मैं सीड से ही इसको हर सीज़न में ग्रो कर देती हूँ। अब मैंने देखा है इस मिर्ची में कि ये इस मौसम में, बारिश के मौसम में बहुत बढ़िया चलती हैं। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होती, प्लांट यूं ही रहता है, लेकिन अभी आप देखें ये प्लांट कितना हरा भरा और कितना सुंदर है। और गुच्छे में इस तरह की मिर्ची आपने देखी है, ये देखें कैसी मिर्ची है ये गुच्छे में, मुझे बहुत पसंद है ये। और जब ये पक जाती हैं तो बिल्कुल रेड हो जाती हैं, तो मैं इसे भी थोड़ा ले लूँगी। इसको आप किसी सलाद वगैरह में भी डालें ना, ये दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, ये देखें। और जो लोग कम तीखा पसंद करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखें इस तरह से। अब देखें आपको अपनी अचारी मिर्ची दिखाती हूँ जिसका, जिससे मैंने पता नहीं कितनी बार हार्वेस्ट करके आप लोगों को दिखाई। ये देखें कितना सुंदर इसका लगा हुआ है, कितनी सुंदर मिर्चियाँ लगी हुई हैं। हाँ, हालांकि इस बार मैंने देखा है इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ये रेड होने लगे हैं तो अभी हार्वेस्ट कर लूँगी। और मुझे लगता है इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है तो न्यूट्रिशन इसके बाद डलेगा। ये देखें फिर भी ये मिर्ची बहुत सुंदर दिख रही है, ये देखें, ये देखें इस तरह से बहुत सारी हैं, सबको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। देखें
काफ़ी बड़ा मेरा ये प्लांट है, इस तरह से देखें। और भी साड़ी हैं, उनको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ ये बीच में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये देखें, ये मिर्ची भी दिखने में काफ़ी ऑर्नामेंटल और सुंदर दिखती हैं। ये देखें, इनको आप अगर चाहते हैं नर्सरी से लाना तो ऑर्नामेंटल मिर्ची के नाम से, अचारी मिर्ची के नाम से भी ये आपको मिल जाएंगे। ये तोरी भी रेडी है और इसको भी मैं ले लूँगी। तोरी के प्लांट पे भी काफ़ी चींटियाँ फूलों में आती हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें, मैंने सीड के लिए एक अच्छा हेल्दी सा ये फ्रूट छोड़ दिया था, तुरई छोड़ दी थी, और ये बिल्कुल सूख गया है और इसमें से सीड की आवाज़ भी आ रही है। जब इस कंडीशन में हो तो इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का दिन है, बार बार पानी पड़ने से ये अच्छा नहीं रहता। और इससे देखें, मुझे सीड भी मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों को पिछले किसी वीडियो में बताया था कि इसके अंदर जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उससे लोफा बनाया जाता है, जो आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसका मल्टीपर्पस यूज़ होता है। तो मैं तो देखिए, बहुत बढ़िया, इसमें लगता है मुझे बहुत सारे सीड हैं। देखिए कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। और देखें, ये मैंने तोड़ लिया है ना, आप इसमें नए नए फिर से, ये देखें, फिर से नए नए ये तुरई बनने शुरू हो गए हैं। ये है आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग। और ये मुझे तकरीबन हर दिन कुछ ना कुछ मिलता है अपने गार्डन से, और इसी तरह से आप लोग भी करें। और कौन कहता है कि गमले में सब्जियां नहीं उगाई जा सकती, फल नहीं उगाए जा सकते। मैं तो तकरीबन हर दिन अपने इस गार्डन से बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे फ्रूट, बहुत सारे वेजिटेबल लेती हूँ। और इसी तरह से ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से ऑर्गेनिक फूड हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिले, तो आप लोग भी इसी तरह मोटिवेट होते रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।